रावी ने कहा, मेरा बेटा भी ठीक है अब। रावी ने कहा, मेरा बेटा भी ठीक है अब, वो बोलने भी लगा है और चलने भी लगा, पर वो बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। ये सुनकर प्रतिज्ञा ने कहा, मैं जल्दी ही उससे मिलने आऊंगी। थोड़ी देर बाद वो सभी वहां बैठे थे और चाय के कई सारे कप वहां रखे हुए थे। प्रतिज्ञा ने चाय पीते हुए कहा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। ये सुनकर वो सभी लोग वीरा की तरफ देखने लगे। ये देखकर प्रतिज्ञा ने भी कंफ्यूज होकर वीरा को देखा। वीरा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम मिस्टर हर्ष को जानती हो? हर्ष का नाम सुनते ही एक पल के लिए प्रतिज्ञा हैरान हो गई, पर उसने जल्द ही खुद को संभालते हुए कहा, वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं, क्या उनके बारे में कोई बात है? ये कहते हुए प्रतिज्ञा के हाथ कप पर कसते जा रहे थे। उसे कुछ बुरा होने का अंदाजा लग गया था। वीरा ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर प्रतिज्ञा ने कंफ्यूज होकर कहा, आप लोगों को मुझसे क्या मदद चाहिए? वीरा ने सब कुछ डिटेल में प्रतिज्ञा को एक्सप्लेन कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद प्रतिज्ञा के हाथ से वो कप छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके कई सारे टुकड़े हो गए। ये देखकर सभी हैरान हो गए। वहीं रावी थोड़ी दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा के चेहरे पर हर्ष के लिए प्यार साफ देखा था और वो जानती थी कि हर्ष की सच्चाई जानने के बाद प्रतिज्ञा का यही रिएक्शन होगा। रावी ने कहा, प्रतिज्ञा मैं जानती हूँ कि तुम इस समय काफी दुखी हो, लेकिन तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। ये सुनकर प्रतिज्ञा होश में आई और उसने सोफे पर से खड़े होते हुए गुस्से में कहा, आप लोगों के कहने का मतलब है कि हर्ष एक गैंगस्टर है और उन्होंने लोगों का खून किया है और उन्होंने आपकी कंपनी आपसे छीन ली है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी सारी बातें मुझसे कह भी कैसे सकती हैं? मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। वीरा ने कहा, विश्वास करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई यही है। प्रतिज्ञा ने अपनी नम आंखों से वीरा को देखते हुए कहा, मैं नहीं मानती कि ये सच है, मिस्टर हर्ष ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, और तुम इस बात की गारंटी इतने विश्वास से कैसे दे सकती हो? क्या तुम उस इंसान को इतने ज्यादा अच्छे से जानती हो? क्या सिर्फ एक पेशेंट के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत है? ये सुनकर एक पल के लिए प्रतिज्ञा चुप हो गई, फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, हाँ मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे पति हैं। मैं जानती हूँ कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने पहले कुछ बुरे काम किए हैं, पर वो कभी किसी निर्दोष के साथ बुरा नहीं करते हैं। ये सुनकर वीरा ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ प्रतिज्ञा को देखा और कुछ कागजात और पेन ड्राइव सामने टेबल पर रख दिए। वीरा उठकर खड़ी हुई और उसने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, जब तुम ये सब देख लोगी उसके बाद मुझसे बात करना। वीरा को खड़ा होता देख बाकी सब भी खड़े हो गए और उसके पीछे बाहर चले गए। रावी अभी भी सहानुभूति से प्रतिज्ञा को देख रही थी। उन सभी के वहां से जाने के बाद प्रतिज्ञा वापस सोफे पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान जा चुकी है। प्रतिज्ञा ने डरते हुए उन सभी चीज़ों की तरफ देखा जो शायद सबूत थे। आधे घंटे बाद प्रतिज्ञा कमरे के बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। रावी और बाकी सब अभी भी वहीं मौजूद थे। वीरा ने खड़े होते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? प्रतिज्ञा ने कहा, हालांकि उन्होंने कई बुरे काम किए हैं और वो आपके साथ भी बुरा कर रहे हैं, लेकिन इन सब में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मैं मिस्टर हर्ष को धोखा नहीं दे सकती, ना ही मैं उनकी जासूसी कर सकती हूँ और ना ही मैं आपको वो कागजात लाकर दे सकती हूँ जो आपको चाहिए। रावी ने अपनी नम आंखों से प्रतिज्ञा को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर अगर तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है वो इस गलत रास्ते से दूर हो जाए और एक अच्छी जिंदगी जीने लगे। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम में से कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा, ना ही हम पुलिस को उस तक पहुँचने देंगे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? पता नहीं क्यों रावी की बातें सुनकर प्रतिज्ञा का मन डगमगा रहा था। उसने कहा, क्या आप सच में ऐसा करेंगी? रावी ने कहा, तुम हमारी इतनी बड़ी मदद करोगी तो ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये कहते हुए रावी वीरा और विहान को देख रही थी जो उसे ही घूर रहे थे। प्रतिज्ञा ने कहा, क्या ऐसा करने से वो सुधर जाएंगे? वीरा ने कहा, यह उस पर डिपेंड करता है। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन अगर उसका प्यार सिर्फ कुछ वादों के लिए है तो वो कभी नहीं सुधर पाएगा। ये सुनकर प्रतिज्ञा को अपने दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ, पर उसने खुद को दिलासा दिया कि हर्ष के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रतिज्ञा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे क्या करना होगा? थोड़ी देर बाद वो सभी वापस उसी कमरे में बैठे हुए थे। वीरा ने उन सबको प्लान समझा दिया था। प्रतिज्ञा ने कहा, लेकिन मिस्टर हर्ष मुझे अपने घर में क्यों रखेंगे? वीरा ने कहा, क्योंकि तुम उसकी वाइफ हो। ये सुनकर प्रतिज्ञा चुप हो गई। रावी ने प्रतिज्ञा को कोहनी मारते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम भी प्यार में पड़ सकती हो, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि एक गैंगस्टर है। प्रतिज्ञा, क्या होगा जब तुम्हारे पिता ऋषि सत्यराज को इस बारे में पता चलेगा? तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ये सुनकर प्रतिज्ञा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मिस्टर हर्ष उन्हें मना लेंगे। रावी ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, हर्ष उन्हें जब भी मनाएगा वो उस पर डिपेंड करता है, पर अभी तो तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम अपने पिता को कैसे मनाओगी कि तुम हर्ष के साथ रहने जा रही हो। ऋषि सत्यराज कोई आम इंसान नहीं है और वो तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे कि तुम बाहर मेडिकल ट्रिप के लिए जा रही हो। वीरा ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। प्रतिज्ञा ने अपना सिर हिलाया, पर तभी उसे जैसे कुछ याद आया हो। प्रतिज्ञा ने कहा, लेकिन कल मेरी सर्जरी है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। रावी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, कल तुम्हारी सर्जरी है।
ये सुनकर वीरा ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपने प्लान को दो दिन के लिए टाल देते हैं। और वैसे भी जब हर्ष प्रतिज्ञा को इतने दर्द में देखेगा तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाएगा। साथ ही मुझे नहीं लगता कि ऋषि सत्यराज इस बारे में नहीं जानते हैं। इस बात को वीरा ने धीरे से कहा था ताकि प्रतिज्ञा इस बात को ना सुन पाए। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग वहां से चले गए और प्रतिज्ञा भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। उन सबके वहां से जाने के बाद एक कार हॉस्पिटल के सामने रुकी और उसमें से एक हैंडसम आदमी बाहर आया। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो अपने ब्लैक सूट में बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। प्रतिज्ञा जब बाहर आई तो उसने उस आदमी की तरफ देखा और वो तुरंत उसे पहचान गई। प्रतिज्ञा ने देखा कार के बाहर हर्ष खड़ा था। हर्ष अपना फोन चला रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और सूरज की किरणें उसे और ज्यादा हैंडसम दिखा रही थी। कुछ पल तक हर्ष को देखने के बाद प्रतिज्ञा धीमे कदमों से उसके पास चली गई। हर्ष ने अपना सिर उठाकर प्रतिज्ञा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई? प्रतिज्ञा ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हर्ष ने प्रतिज्ञा को अपनी तरफ खींचा और कहा, क्यों, क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके वर्क प्लेस से पिकअप करने नहीं आ सकता? हर्ष के इस तरह खींचने से प्रतिज्ञा हैरान हो गई थी और हर्ष की बातें सुनकर उसे शर्म आने लगी थी। प्रतिज्ञा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है। ये सुनकर हर्ष ने आसपास देखा। उस जगह पर ज्यादा लोग नहीं थे और जो भी थे वो अपने कामों में बिजी थे। हर्ष ने कहा, तो ठीक है, हम अपने घर चलते हैं। प्रतिज्ञा ने कहा, अपने घर? ये कहते हुए प्रतिज्ञा की आवाज़ में उदासी साफ सुनी जा सकती थी। हर्ष ने प्रतिज्ञा के बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ अपने घर। प्रतिज्ञा ने हर्ष को खुद से दूर करते हुए कहा, पर हमने अभी तक मेरे पापा को कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर हर्ष ने कहा, तो ठीक है, हम पहले तुम्हारे घर चलते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। प्रतिज्ञा ने कहा, क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है कि वो आपको गोली मार सकते हैं? ये सुनकर हर्ष ने कहा, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए? अब प्रतिज्ञा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए वो चुपचाप हर्ष की कार में बैठ गई और वो लोग वहां से निकल गए। थोड़ी ही दूरी से कुछ कार उन्हें फॉलो कर रही थी। वो सभी कार हर्ष के बॉडीगार्ड की कार थी। हर्ष नहीं चाहता था कि प्रतिज्ञा अनकंफर्टेबल फील करे, इसीलिए उसने अपने सारे बॉडीगार्ड को दूरी बनाकर रहने को कहा था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ऋषि सत्यराज के घर पहुंच गए थे। प्रतिज्ञा को बहुत घबराहट हो रही थी और वो अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर घर की तरफ देख रही थी। हर्ष ने कहा, हम 20 मिनट से यहीं बैठे हैं, क्या तुम अंदर नहीं चलने वाली हो? प्रतिज्ञा ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर्ष ने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा ने कहा, आप मेरे पापा को नहीं जानते हैं, वो बहुत खतरनाक है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हर्ष ने कहा, जो भी हो, अब अपने ससुर जी से तो मिलना ही होगा ना? हर्ष की बात सुनकर प्रतिज्ञा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आप पर इस तरह की बातें सूट नहीं करती हैं। हर्ष ने प्रतिज्ञा की नाक पर टैप करते हुए कहा, और तुम्हारे चेहरे पर भी परेशानी सूट नहीं करती है। ये कहते हुए हर्ष कार से बाहर आया और उसने प्रतिज्ञा के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। प्रतिज्ञा भी कार से बाहर आई। गार्ड्स चौकब से घूर कर उस कार की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपने हथियारों पर हाथ रख लिए थे। प्रतिज्ञा को देखकर वो नॉर्मल हो गए और उसे ही देखने लगे। सभी गार्ड्स ने प्रतिज्ञा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, वेलकम होम मैडम। प्रतिज्ञा मुस्कुराई। उन लोगों ने प्रतिज्ञा के लिए दरवाजा खोल दिया और प्रतिज्ञा हर्ष का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। आरवी कॉरपोरेशन। मिष्टी जब अपना काम करके ऑफिस से निकली तब तक शाम हो चुकी थी। मिष्टी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, पर जो अलग था वो थी उसकी मासूमियत और शांत भाव, जो कहीं खो चुके थे। मिष्टी के दिमाग से एक ख्याल जा ही नहीं रहा था कि मयंक ने उसे धोखा दिया था। मयंक ने मिष्टी को कई बार फोन किया था, लेकिन मिष्टी ने मयंक का एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। मयंक कंपनी भी आया था, लेकिन मिष्टी ने बाहर मौजूद गार्ड को पहले ही मयंक का फोटो दिखाकर इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इस इंसान को अंदर ना आने दे, और कोई भी आम इंसान वैसे भी आरवी कॉरपोरेशन में नहीं घुस सकता था। मिष्टी अभी कंपनी से बाहर निकली ही थी कि थोड़ी दूर चलने पर किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मिष्टी ने हैरान होकर पीछे की तरफ देखा। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जिसने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी थी, और वो अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर मिष्टी को घूरे जा रहा था। मिष्टी ने जब उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें खतरनाक हो गई। मिष्टी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का आगे बढ़ा और उसने मिष्टी के चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, ओ मिष्टी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या उस आदमी ने तुम्हें खुश नहीं किया? चलो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। मिष्टी ने उस इंसान का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मयंक मुझसे दूर रहो, और रही बात तुम्हारे उस क्लाइंट की, तो वो अभी भी उसी क्लब में नशे की हालत में कहीं पड़ा होगा, जाकर उसे ढूंढ लो, क्योंकि मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वो जिंदगी में कभी किसी लड़की को खरीदने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जैसे ही मयंक ने मिष्टी की बात सुनी उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मयंक ने कहा, तुम क्या कह रही हो? आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? मिष्टी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने उसके सिर पर और पैरों के पास एक बियर की बोतल फोड़ दी थी। हो सकता है वो इस समय हॉस्पिटल में हो और तुम्हें कोस रहा हो, कहीं तुमने उसके लिए हुए 50 करोड़ खर्च तो नहीं कर दिए? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें जल्दी ही पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि वो कभी भी तुमसे अपने पैसे वापस मांग सकता है। मयंक ने मिष्टी का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की? मिष्टी ने भी चिल्लाते हुए कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी के एक दिन पहले मुझे एक बूढ़े इंसान को बेचने की? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ये सुनकर मयंक ने गंदी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने तुम्हें बेच भी दिया तो? वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है और आज हमारी शादी थी, मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ।
मिश्री ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मयंक, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेच सकते हो। आखिर तुम मेरे शरीर का सौदा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? मयंक ने कहा, मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं सिर्फ तुमसे शादी इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुम इस बड़ी सी कंपनी में काम करती हो और काफी पैसे कमाती हो। मेरे लिए कभी तुम मायने रखती ही नहीं थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यही था कि तुम काम करती हो और मैं तुम्हारे पैसों पर ऐश करना चाहता था। पर अब तुम्हारी ये कंपनी भी बर्बाद होने वाली है तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मिष्टी ने कहा, एक दिन तुम इस बात के लिए पछताओगे। मयंक ने कहा, तुम मेरे साथ अभी वापस चलो और उस इंसान से माफी मांगो जिससे मैंने तुम्हारा सौदा किया था और अब तुम उसकी हो। मिष्टी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं किसी की नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है जब मेरे परिवार को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे? मयंक ने पीछे मुड़कर मजाक भरी मुस्कान के साथ मिष्टी को देखकर कहा, तुम किस परिवार की बात कर रही हो? अपनी भुआ और फूफा जी की। उनका भी इस काम में हाथ था और उन्होंने भी मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं? नहीं, सबको सिर्फ पैसे से प्यार है और उन्होंने भी तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए बेचा है। वरना तुम ही बताओ, जिस लड़की की सैलरी 1 महीने की 2 लाख रुपए हो उसे कौन ही अपने घर से निकालना चाहेगा? वैसे भी वो लोग तुम्हारे सगे नहीं है। मिष्टी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हों और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मिष्टी अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी कि किस तरह उसने अपने भुआ फूफाजी के लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश की जो वो कर सकती थी। वो अपनी सारी सैलरी उन्हें दे देती थी और उनके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। उसने उनके लिए एक घर भी खरीदा था ताकि उन्हें किराए के घर में ना रहना पड़े और आखिर में उन लोगों ने उसके एहसानों का ये सला दिया। मिष्टी के माता पिता कुछ सालों पहले गुजर गए थे इसीलिए वो अपनी भुआ और फूफाजी के साथ रहती है। मिष्टी के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तब तक मयंक उसे खींचते हुए अपनी कार के पास ले आया था। इससे पहले कि मयंक मिष्टी को कार में बैठा पाता, किसी ने मयंक का हाथ मिष्टी से छुड़ा लिया, जिससे मिष्टी होश में आ गई और हैरान होकर उस इंसान की तरफ देखने लगी जिसने उसकी मदद की थी। सामने एक इंसान खड़ा था जिसने 3-पीस ब्लू कलर का सूट पहना था और वह अपनी खतरनाक आंखों से मयंक को घूर रहा था। मयंक ने उस इंसान की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? उस इंसान ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, यह बात तुम्हें अभी पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ, पर पहले इस लड़की से दूर हटो। मयंक ने कहा, मैं उससे दूर क्यों रहूं? वो मेरी होने वाली पत्नी है और आज हमारी शादी है। उस आदमी ने अपनी एक उंगली से ना में इशारा करते हुए कहा, नहीं, वो अभी तुम्हारी पत्नी बनी नहीं है। तुमने कहा तुम्हारी आज शादी है, इसका मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती वो तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती है? ये सुनकर मयंक चुप हो गया। उस आदमी ने कहा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहते हुए उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी जिसे मयंक भी देख पा रहा था। मयंक ने देखा उस आदमी के पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे। ये देखकर मयंक डर गया और उसने मिष्टी को घूरते हुए कहा, तुम इसके लिए बहुत पछताओगी और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह मना कर देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, वो आदमी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें उसे बेच चुका हूं और वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सामने खड़ा इंसान जो मयंक को घूर रहा था उसने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, क्या तुम मिस्टर शेट्टी की बात कर रहे हो? मिस्टर शेट्टी का नाम उस आदमी के मुंह से सुनकर मयंक हैरान हो गया और उसे देखने लगा। उस आदमी ने आगे कहा, मिस्टर शेट्टी अब इस दुनिया में नहीं है। वो क्या है ना, मुझे उन्हें देखकर बार बार ये याद आ रहा था कि उन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। वो आदमी ये बात इतनी आसानी से कह रहा था जैसे उसने किसी चूहे को मारा हो, ना कि किसी जीते जागते इंसान को। उस आदमी की बातें सुनकर मयंक के पसीने छूट गए और वो अपनी कार में बैठकर वहां से भाग गया। वहां से जाते हुए मयंक अभी भी मिष्टी पर चिल्ला रहा था। मयंक के वहां से जाने के बाद वो जगह पूरी तरह शांत हो गई। मिष्टी अभी भी उस इंसान की तरफ देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मदद करने वाला इंसान वही था जिसके साथ उसने कल वो खूबसूरत रात गुजारी थी। उस रात का ख्याल आते ही मिष्टी के गाल थोड़े लाल हो गए। मिष्टी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा नाम शोभित है। मिष्टी को शोभित से हाथ मिलाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मिष्टी है। शोभित ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा, अब रात भी होने वाली है। मिष्टी ने खुद से कहा, पर अब तो मेरा कोई घर है ही नहीं। शोभित इस बात को जानता था और उसने जानबूझकर यह बात कही थी। मिष्टी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मिष्टी ने सोचा था कि वो कुछ दिनों के लिए होटल में रुकेगी और फिर खुद के लिए कोई अच्छा फ्लैट देख लेगी। शोभित ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, तुम किससे झूठ बोलना चाहती हो? शोभित की बात सुनकर मिष्टी हैरान हो गई और उसे देखने लगी। शोभित ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मिष्टी ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उन लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। शोभित ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहती हो? मिष्टी ने कहा, हाँ मैं बदला लेना चाहती हूँ लेकिन मैं इतने पावरफुल लोगों से नहीं लड़ सकती। मिष्टी जानती थी कि मयंक भी एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है और उसका परिवार काफ़ी ऊँचा है, इसीलिए मिष्टी उससे दूर रहना चाहती थी। हालांकि मिष्टी मयंक और अपने भुआ और फूफा जी से बहुत नाराज़ थी और उन्हें सबक भी सिखाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती है।
शोभित ने कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिष्टी ने हैरान होकर शोभित की तरफ देखा और कहा, पर आप ऐसा क्यों करेंगे? शोभित ने कहा, चिंता मत करो, मैं कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता हूँ। इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। इधर दूसरी तरफ ऋषि सत्यराज के घर। ऋषि सत्यराज घूर कर उन दो लोगों को देख रहे थे जो उनके सामने बैठे थे। ऋषि सत्यराज आराम से अपनी चाय पी रहे थे। वहीं प्रतिज्ञा अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उसके साइड में हर्ष बैठा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो ऋषि सत्यराज को देखे जा रहा था। ऋषि सत्यराज ने कहा, तो तुम हर्ष हो मेरी बेटी के पेशेंट, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हो? पर तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर जरूरी बात नहीं है तो तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे आराम करना है। प्रतिज्ञा, अगर तुम्हें भी कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो। वैसे भी आजकल तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी हो और तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। ये सुनकर प्रतिज्ञा ने अपना सिर उठाया और कहा, ऐसी बात नहीं है पापा। ऋषि सत्यराज ने कहा, तो कैसी बात है? तुम एक अनजान आदमी को यहाँ लेकर आई हो और ये भी नहीं बता रही हो कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है या फिर ये तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया है, तो मैं क्या सोचूं? हर्ष ने देखा कि प्रतिज्ञा कितनी ज्यादा नर्वस है, इसीलिए उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर ऋषभ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋषि सत्यराज ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, मैं अपनी बेटी से सवाल कर रहा हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ऋषि सत्यराज की सुनकर हर्ष चुप हो गया। प्रतिज्ञा ने हिम्मत करके कहा, पापा, ये हर्ष है और मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। ऋषि सत्यराज पहले से ही सब कुछ जानते थे, लेकिन वो प्रतिज्ञा के मुंह से सब सुनना चाहते थे। ऋषि सत्यराज ने कहा, अच्छा, तो तुम इसे पसंद करती हो और इससे शादी करना चाहती हो, क्या यही बात है? प्रतिज्ञा ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं पापा, असल में हमारी शादी भी हो चुकी है। ये सुनकर ऋषि सत्यराज ने अपनी आंखें छोटी करके प्रतिज्ञा को देखा और कहा, प्रतिज्ञा, तुम मजाक कर रही हो ना? प्रतिज्ञा ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है और यही बात बताने के लिए हम दोनों आज यहाँ आए हैं। ऋषि सत्यराज अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा को घूरते हुए कहा, अगर तुमने पहले ही सब कुछ कर लिया है तो तुम मुझे ये बताने क्यों आई हो? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी है तो तुम मुझसे परमिशन लेने क्यों आई हो? सॉरी, तुम मुझसे परमिशन लेने नहीं आई हो, तुम तो मुझे अपना फैसला सुनाने आई हो। प्रतिज्ञा, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? शादी कोई खेल है जो तुमने इस इंसान से शादी कर ली जिसे तुम जानती भी नहीं हो? आखिर ये है कौन और ये करता क्या है? प्रतिज्ञा, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह मेरा अपमान करोगी और किसी ऐसे इंसान से शादी कर लोगी जिसे तुम जानती भी नहीं हो। ऋषि सत्यराज को इतना गुस्सा करता देख प्रतिज्ञा डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब हर्ष ने प्रतिज्ञा को रोते हुए देखा तो उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई। हर्ष ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा और खड़े होते हुए कहा, आप उसे इस तरह नहीं डरा सकते। ऋषि सत्यराज ने कहा, मैं इसका पिता हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हर्ष ने प्रतिज्ञा को अपने पीछे खड़ा करते हुए कहा, और मैं इसका पति हूँ और मैं अपने सामने अपनी पत्नी को किसी से भी डांट खाते हुए नहीं देख सकता। ऋषि सत्यराज ने कहा, तुम्हारा रिश्ता उससे दो दिन पहले ही जुड़ा है, पर मैं उसे तब से संभाल रहा हूँ जब वो बच्ची थी। हर्ष ने कहा, भले ही हमारा रिश्ता कुछ दिनों का ही है, पर फिर भी मैं इस बात को पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूत है और इसमें कभी कोई दरार नहीं आ सकती। ये सुनकर ऋषि सत्यराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दूंगा। हर्ष ने कहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था और अब मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ऋषि सत्यराज ने कहा, तुम इस तरह मेरी बेटी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। प्रतिज्ञा, तुम कहीं नहीं जा सकती। प्रतिज्ञा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना ही वो हर्ष को छोड़ सकती थी और ना ही वो ऋषि सत्यराज की नाराजगी सह सकती थी। जब प्रतिज्ञा के चेहरे पर दुख के भाव पड़ने लगे तो ऋषि सत्यराज ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम इसके लिए पछताओगी, लेकिन तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि कल तुम्हारी एक सर्जरी है। जैसे ही ऋषि सत्यराज ने यह कहा, हर्ष के चेहरे के भाव बदल गए और उसने प्रतिज्ञा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी सर्जरी क्यों होने वाली है और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? प्रतिज्ञा ने हर्ष के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी। ऋषि सत्यराज पीछे मुड़े और उन्होंने घर के अंदर जाते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कल तुम समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। प्रतिज्ञा को उनके इस तरह जाने से दुख तो हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो अपने पिता को जल्दी ही मना लेगी, क्योंकि ऋषि सत्यराज उससे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकते थे। हर्ष ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो क्या अब हम अपने घर चले? प्रतिज्ञा ने नम आंखों से उस घर की तरफ देखा जहां वो कुछ समय से रह रही थी, लेकिन उसका वहां से एक गहरा रिश्ता जुड़ गया था। प्रतिज्ञा ने कहा, क्या पापा मुझसे इसी तरह नाराज रहेंगे? हर्ष ने कहा, वो जल्दी ही मान जाएंगे, हालांकि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। प्रतिज्ञा को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो जानती थी इस समय ऋषि सत्यराज नाराज हैं और उन्हें मनाना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने हर्ष के साथ जाने का फैसला किया। वैसे भी उसे अपने प्लान को जल्द से जल्द अंजाम देना था ताकि वो हर्ष को इस बुरे रास्ते से वापस सही रास्ते पर ला सके। ये सोचते हुए प्रतिज्ञा ने हर्ष के हाथों को और जोर से पकड़ लिया। ये महसूस करते ही हर्ष मुस्कुराया और उसने प्रतिज्ञा को अपनी कार में बैठाया और फिर खुद भी कार में बैठकर वहां से निकल गया। ऋषि सत्यराज अपने कमरे की बालकनी से इस नज़ारे को देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा,
जिस रास्ते पर तुम चल रही हो प्रतिज्ञा, वहां तुम्हें कई सारे दुख मिलेंगे, पर शायद तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं है। ये कहते हुए ऋषि सत्यराज कड़वाहट से मुस्कुराए और वापस अपने कमरे में चले गए। इधर वीरा के घर में सभी लोग काफी परेशान होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन सबके काम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। आरवी कॉरपोरेशन, राजवंश कॉरपोरेशन और सूरज की कंपनी भी इस समय काफी दिक्कतों में थी और उनके कई सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे कंपनी छोड़ने की बात कर रहे थे। रावी ने कहा, दी मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है। वीरा ने कहा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस वेट करना होगा। जब तक प्रतिज्ञा उन डॉक्यूमेंट को हासिल नहीं कर लेती, हम कुछ नहीं कर सकते। ऋषि ने कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ऐसा करके हम प्रतिज्ञा को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे? वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएं। रावी ने उदास होकर कहा, ऋषि सच कह रहा है, हम प्रतिज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रतिज्ञा और हर्ष का रिश्ता बहुत बिगड़ सकता है। क्या होगा जब हर्ष को पता चलेगा कि प्रतिज्ञा उसे धोखा दे रही थी? तो उसे छोड़ देगा और तब प्रतिज्ञा का दिल भी टूट जाएगा। वीरा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। विहान जो बाहर कॉल पर बात करने गया था, उसने अंदर आते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि उस इंसान ने मेरे सीनियर ऑफिसर को अपने काबू में कैसे किया है। वीरा ने कहा, तो बताओ? विहान ने कहा, उस इंसान ने मेरे सीनियर ऑफिसर के बेटे को किडनैप करके अमेरिका में रखा हुआ है। अजय ने उसे बचा लिया है और वो उसे यहाँ ला रहा है। हालांकि उस इंसान को अभी इस बारे में नहीं पता चला है, पर वो जल्दी इस बारे में पता लगा लेगा और फिर वो मेरे सीनियर ऑफिसर को ब्लैकमेल करेगा। वीरा ने कहा, मुझे भी मेरे कुछ लोगों से पता चला है कि वहाँ एक गैंग कई सालों से काम कर रही है और वो लोग देहरादून पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, खास करके हमारे परिवार पर। आखिर वो इंसान है कौन जो हमें इतनी अच्छी तरह जानता है और हमें टारगेट कर रहा है? रावी ने कहा, पता नहीं दी, वैसे भी हमारे दुश्मन कब्र से उठकर बार बार आ जाते हैं। हो सकता है ये भी कोई मुर्दा ही हो, जो हमारी नज़रों में तो मर गया है पर असल में वो जिंदा हो। जैसे ही रावी ने ये बात कही, सब उसे घूर कर देखने लगे। रावी ने सक पकाते हुए कहा, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए हेमंत को ही ले लीजिए, हमने तो उसे उस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया था ना, और हमने तो उस आइलैंड को भी ख़त्म कर दिया था, पर फिर भी वो कहीं से जिंदा और सही सलामत वापस आ गया और फिर हमसे बदला लेने लगा। हो सकता है ये इंसान भी उन्हीं में से कोई हो। जैसे ही रावी ने ये कहा, वीरा की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वीरा ने कहा, ये पता करो, उस आइलैंड के ख़त्म होने के बाद क्या वहाँ से कभी कोई शिप निकली थी या फिर किसी इंसान को वहाँ से बचाया गया था? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस साल वहाँ हुआ क्या था। फ़ोन के दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, इस बात को काफ़ी समय हो चुका है। वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे पता करोगे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है। ये कहकर वीरा ने कॉल कट कर दिया। रावी ने चॉकलेट खाते हुए कहा, दी आपको सच में लगता है कि वो इंसान उन्हीं में से कोई हो सकता है? वीरा ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस इंसान ने राजवंश हवेली को अपने नाम कर लिया है। इसका मतलब वो ज़रूर राजवंश परिवार से रिलेटेड होगा। राजवंश परिवार से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और जो भी है उनके दूर के रिश्तेदार हैं जो अब हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। पर निर्मला देवी और उनका सौतेला बेटा उसी आइलैंड पर थे और उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। रावी ने कहा, हमने उनकी बॉडी ढूंढी ही नहीं, मैंने तो सोचा था शायद उन्हें कोई शार्क खा गई होगी। ऋषि और विहान हैरानी से उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत अजीब बातें कर रही थी। ऋषि ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने एक आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया था और कुछ लोगों को मार डाला था? रावी ने कहा, हाँ और उस समय हम 7 साल के थे। ये सुनकर दोनों ही भाइयों का सिर चकराने लगा और वो सोचने लगे कि उनकी बीवियाँ बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। फिर कुछ देर में डिनर कर लेने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। वीरा कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी, वहीं ऋषि भी कुछ काम कर रहा था। वीरा ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? वीरा की आवाज़ सुनकर ऋषि सक पका गया। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वीरा ने कहा, ऋषि ऐसा कुछ तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ऋषि ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीरा ने कहा, बेहतर होगा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर ऋषि ने कहा, तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो। वीरा ने कहा, तुम काम ही ऐसे करते हो। ये सुनकर ऋषि का मुंह बन गया और वो दोबारा अपने लैपटॉप में काम करने लगा। वीरा ने एक आहा भरी और सूरज से चैटिंग जारी रखी। सूरज जब भी अपने घर से ही काम किया करता था। फिलहाल तपस्या की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। वीरा ने सूरज को सारा प्लान समझा दिया था। सूरज प्रतिज्ञा को जानता था, हालांकि उसने उसे एक बार किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे प्रतिज्ञा के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो हर्ष जैसे इंसान से जुड़ गई थी। सूरज ने टाइप किया, क्या तुमने सच में उसे मना लिया है? वीरा ने लिखा, हाँ वो हमारा काम करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अगर हमें तुम्हारी कंपनी के कागज़ नहीं मिल पाए तो मैं उसे छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के कागज़ के लिए प्रतिज्ञा को और ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। ये पढ़कर सूरज ने मुंह बनाते हुए स्क्रीन को देखा और लिखा, तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, क्या तुम मेरी कंपनी इस तरह डूबने दोगी? भूलो मत उसमें तुम्हारे भी शेयर हैं। वीरा ने लिखा, शेयर है नहीं थे, मैंने तुम्हें शेयर वापस कर दिए हैं। सूरज ने वीरा का मैसेज पढ़ा और गुड नाइट लिखकर चैटिंग बंद कर दी। सूरज ने पीछे मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा जहां तपस्या लेटी थी। तपस्या के हाथ में एक सुई लगी थी और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। तपस्या का चेहरा काफी पीला हो चुका था और उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई थी।
स्वराज जो कि अभी ही अंदर आई थी, उसने सूरज के चेहरे के वो उदास भाव देखे और उसने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं उम्मीद करती हूँ सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सूरज ने कहा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाए। तपस्या के पापा भी रूम के अंदर आ गए थे। उन्होंने सूरज का कंधा थपथपाते हुए कहा, मेरी चॉइस गलत नहीं थी, मैं जानता था मेरी बेटी को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। ये सुनकर सूरज मुस्कुराया पर उसने कुछ कहा नहीं। हर्ष के घर। हर्ष और प्रतिज्ञा एक साथ घर के अंदर आए। एरिक पहले से ही घर आ चुका था और थोड़ा परेशान दिख रहा था। हर्ष ने जब एरिक के चेहरे के भाव देखे तो उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव आ गए। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत का सारा सामान रख दिया गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रतिज्ञा ने हर्ष के चेहरे पर परेशानी के भाव देख लिए थे और वो समझ गई थी कि जरूर कुछ बात है। प्रतिज्ञा उन दोनों की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। लेकिन प्रतिज्ञा के मन में हलचल मची हुई थी, वो जानना चाहती थी कि आखिर एरिक हर्ष से क्या बात करना चाहता है। प्रतिज्ञा के जाने के बाद हर्ष ने कहा, क्या बात है? एरिक ने कहा, सर रमन सर घर आ गए हैं और वो लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हर्ष ने यह सुना कि रमन वहां आ चुका है, हर्ष के पैर कांप गए और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर गहरी सांसें लेने लगा। एरिक ने कहा, सर आप ठीक तो है ना? हर्ष ने कहा, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया है? एरिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है, पर उन्हें शायद शक हो चुका है या फिर उन्होंने अपने लोगों को आपके पीछे भेजा होगा। हर्ष ने कहा, चलो उनसे चलकर मिलते हैं। जब वो दोनों लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने व्हाइट कलर का 3-पीस सूट पहना था वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसके साइड में प्रतिज्ञा बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उस इंसान से बात कर रही थी। प्रतिज्ञा को रमन के साथ बैठा हुआ देखकर हर्ष का दिल ठंडा पड़ गया और उसे गुस्सा आने लगा। हर्ष बिल्कुल नहीं चाहता था कि प्रतिज्ञा रमन से मिले। रमन की नज़र जब हर्ष पर पड़ी तो उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। रमन ने प्रतिज्ञा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी प्यारी बच्ची को अपने साथ यहाँ रख रहे हो। हर्ष, तुमने मुझे पहले बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम कहाँ मुझे अपना समझते हो? अगर समझते तो तुम मुझे ज़रूर बताते कि तुमने शादी कर ली है। ये कहते हुए रमन का हाथ प्रतिज्ञा के सिर से होते हुए उसके कंधे तक आ गया था। हर्ष की नज़र रमन के हाथ पर ही थी और उसके हाथ गुस्से से मुट्ठियों में बंध चुके थे। हर्ष ने बिना किसी भाव के कहा, उससे दूर हटो। इस समय हर्ष से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो भूल गया था कि उसके सामने बैठा इंसान कौन है। एरिक ने धीरे से कहा, सर। एरिक की आवाज़ सुनकर हर्ष होश में आया और उसने दोबारा रमन की तरफ देखा जिसकी आंखें इस समय गुस्से में लाल हो रही थी। रमन ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए प्रतिज्ञा से कहा, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम काफ़ी थक गई होगी। प्रतिज्ञा ने कहा, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहते हुए प्रतिज्ञा सोफे से उठी और उस कमरे की तरफ चली गई जहाँ वो पहले रुकी थी, पर तभी एक नौकर ने उसे रोक लिया और बताया कि उसका सारा सामान हर्ष के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। रमन ने जब ये बात सुनी तो उसके होठों पर और बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो हर्ष को देखने लगा। प्रतिज्ञा मुस्कुराई और एक नज़र हर्ष को देखकर हर्ष के कमरे की तरफ बढ़ गई। प्रतिज्ञा के वहां से चले जाने के बाद रमन उठकर खड़ा हुआ और उसने हर्ष के पास जाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है या फिर तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने कौन सी बात कह सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ये कहते हुए रमन हर्ष के पास पहुंच चुका था। हर्ष ने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, अंकल मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए। रमन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूं इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना अगली बार से मैं तुम्हारी इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें किसी तरह के रिश्ते से जुड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद इन सबसे बहुत ऊपर है। आखिर तुम कैसे किसी लड़की से शादी कर सकते हो? हो सकता है वो लड़की जासूस हो या फिर हमारे दुश्मनों से मिली हुई हो। हर्ष ने जल्दी से कहा, प्रतिज्ञा ऐसी बिल्कुल नहीं है। रमन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे लोगों की फितरत नहीं पता है, मैंने उस लड़की की आंखों में डर और शक दोनों देखा है। याद रखना हर्ष, अगर उस लड़की के कारण मेरा प्लान बर्बाद हुआ तो सबसे पहले मैं उस लड़की की ही जान लूंगा। ये कहकर रमन ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हर्ष ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? रमन ने कहा, अब जब तुमने शादी कर ही ली है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वापस होटल जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी और तुम मुझसे मिलने होटल आ जाना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। ये कहकर रमन वहाँ से चला गया। रमन के वहाँ से चले जाने के बाद ऐसा लगा जैसे माहौल शांत हो गया हो। एरिक ने कहा, सर आप अब क्या करेंगे? हर्ष ने कहा, इस समय तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रतिज्ञा की सेफ्टी बढ़ानी होगी। रमन अंकल कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एरिक ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो आप उनको झेलते ही क्यों हैं? हर्ष ने कहा, इसके पीछे कुछ कारण है। ये कहकर हर्ष अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद हर्ष ने देखा कि प्रतिज्ञा एक जगह खड़े होकर उस कमरे को देख रही थी। हर्ष ने पीछे से प्रतिज्ञा को गले लगाते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो? प्रतिज्ञा मुस्कुराई, उसने कहा, हमारा कमरा देख रही हूँ। हर्ष ने प्रतिज्ञा के कंधे पर किस करते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, ये अब से हमारा कमरा है। हर्ष जब प्रतिज्ञा के साथ होता था तो उसे एक अलग ही एहसास महसूस होता था, जैसे उसका कोई खास उसके पास हो जिसे वो अपना कह सकता है। ये सोचते हुए हर्ष के होठ प्रतिज्ञा की गर्दन पर फिसलते जा रहे थे।
प्रतिज्ञा ने जल्दी से पीछे मुड़कर हर्ष को धक्का दिया और कहा, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर हर्ष? हर्ष ने प्रतिज्ञा की तरफ देखते हुए कहा, अपनी पत्नी से प्यार। प्रतिज्ञा ने बाथरूम की तरफ भागते हुए कहा, लेकिन इस समय मुझे नहाना है। ये कहकर प्रतिज्ञा ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और हर्ष ये देखकर मुस्कुराने लगा। इधर फार्म हाउस पर सभी लोगों ने डिनर कर लिया था। वायु ने धैर्य की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। धैर्य ने परेशान होकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? वायु ने कहा, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में लौट आऊँगा। धैर्य ने कहा, ज़्यादा समय मत लगाइएगा। वायु मुस्कुराया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर वायु राका और करण के साथ वहाँ से चला गया। वायु के जाने के बाद धैर्य ने एक गहरी सांस ली। पूर्वा ने धैर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? धैर्य ने कहा, हमें नहीं पता लेकिन हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इधर वायु की कार तेजी से एक पुराने से इलाके में जा रही थी। वायु ने जल्दी से अपनी कार रोकी और सामने उस बिल्डिंग को देखने लगा जो आज भी वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। उस पुरानी बिल्डिंग से वायु की कई सारी यादें जुड़ी थी। वायु जल्दी से कार से उतरा और उस कार की तरफ देखने लगा जो उस बिल्डिंग से पास ही खड़ी थी। राका ने कहा, सर ये वही इंसान है जिसने हमें कहा था कि वो आपका रिश्तेदार है और आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है, और इस इंसान ने ही हमें धैर्या मैम, रावी मैम और वीरा मैम की पुरानी फ़ोटो भेजी थी। वो ऐसी फ़ोटो है जो शायद किसी के पास भी नहीं है। उस समय आप धैर्या मैम और उनके बच्चों से भी नहीं मिले थे। वायु ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं उस इंसान से मिलने यहाँ आया हूँ। वायु धीमे कदमों से उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। राका ने कहा, सर इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, हो सकता है ये कोई जाल हो। वायु ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उसने मेरे लिए कोई जाल बिछाया है, मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं उसने रावी, वीरा और धैर्या के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है, क्योंकि अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वायु उस कार तक पहुंच गया। कार की हेडलाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी जिस कारण वहां कभी रोशनी होती थी तो कभी अंधेरा हो जाता था, पर थोड़ी ही देर बाद उस कार की हेडलाइट पूरी तरह से बंद हो गई और वहां अंधेरा छा गया। हालांकि वहां काफ़ी सारी लाइट लगी थी लेकिन वो कार जहां खड़ी थी वो एक अंधेरा कोना था और वहां तक लाइट नहीं पहुंच रही थी। वायु उस कार को घूर कर देख रहा था। वायु ने कहा, जो भी कार में है बाहर आओ। कार का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद रंग के जूतों की जोड़ी बाहर आई। उस इंसान ने भी पूरे सफ़ेद कपड़े पहने थे और अपने चेहरे पर एक सफ़ेद रंग का मास्क लगाया हुआ था। उस इंसान ने ताली बजाते हुए कहा, कहना पड़ेगा वायु राजवंश का और आज भी वैसा ही है, पर अफसोस कि अब उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी है और वो बूढ़ा हो गया है। वायु ने कहा, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत फिल्मी डायलॉग मारने लगे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वायु उस इंसान की आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों पर वायु को उसकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उस इंसान ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन हूँ? वायु ने कहा, तुम्हारे पास ये तस्वीरें कहाँ से आई और तुम्हारे पास हमारे घर की सारी जानकारियाँ कैसे हैं? निर्मला देवी और उनके साथियों की मृत्यु एक राज थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। उनकी मौत के बाद उन सभी चीज़ों को मिटा दिया गया था और सभी सबूतों को छुपा दिया गया था जो कि रावी और वीरा के खिलाफ जा सकते थे, लेकिन इस इंसान के पास हर वो चीज़ थी जो उसकी बेटियों को बर्बाद कर सकती थी। सफ़ेद कपड़े वाले इंसान ने हंसते हुए कहा, वायु राजवंश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम निडर हो, तुमने ही अभी कहा कि तुम शेर हो और शेर तो किसी से नहीं डरता ना। वायु ने कहा, मैंने कहा मुझे सच बताओ। उस इंसान ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, हर सच की कीमत होती है, क्या तुम कीमत देने को तैयार हो? वायु ने कहा, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस आदमी ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों का क्या करूँगा, मेरे पास पहले ही काफ़ी पैसा है। वायु ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? उस इंसान ने कहा, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है, जिसके लिए ये सारी तबाही हुई थी, जिसके कारण आज कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मैं उस इंसान को चाहता हूँ। वायु के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उस इंसान ने कहा, मुझे धैर्या साहू चाहिए। वो इंसान धैर्या को धैर्या राजवंश नहीं कहना चाहता था क्योंकि उसकी नज़रों में धैर्या कभी राजवंश परिवार में शामिल हो ही नहीं सकती थी। धैर्या का नाम सुनते ही वायु ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और सफ़ेद मास्क वाले इंसान का गला पकड़ लिया। वायु ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी धैर्य का नाम अपने मुंह से लेने की? ये कहते हुए वायु की गहरी नीली आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सफ़ेद मास्क वाले इंसान ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? सोचो उस समय मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब इसी लड़की के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस लड़की ने कई सारी जानें ली हैं, भले ही इसने उन सबको खुद नहीं मारा लेकिन हर इंसान की मौत की जिम्मेदार सिर्फ यही है, और अब मैं इसकी जान लेकर सबकी मौत का बदला लूंगा। पता नहीं क्यों पर वायु को उस आदमी की आवाज़ से थोड़ा सा डर लग रहा था। वायु को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो बात वो आदमी कह रहा था वो ऐसा नहीं कर सकता है। वायु ने कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वायु ने यह कहा ही था कि उसके सिर पर कई सारी गन्स तन गई थी। वायु ने आसपास देखा, लगभग 20 से भी ज्यादा लोग उसके सिर पर बंदूक ताने खड़े हुए थे। एक गलती और वायु का सिर बंदूकों की गोलियों से घायल हो सकता था। एक आदमी ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, हमारे बॉस को छोड़ो।
वायु ने अपनी पकड़ सफेद मास्क वाले आदमी के गले पर कसते हुए कहा, एक कायर इंसान ही छुपकर वार करता है। जब मास्क वाले आदमी ने महसूस किया कि वायु की पकड़ उसकी गर्दन पर कसती जा रही है, तो उसने अपनी आंखों से अपने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने तुरंत वायु के पैर पर गोली चला दी, जिससे वायु की पकड़ उस आदमी की गर्दन से छूट गई। उस सफेद मास्क वाले आदमी ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा, भले ही मैं कायर हूं, लेकिन इस समय तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा पूरा राजवंश परिवार मेरे सामने झुकेगा, और तुम्हारी प्रॉपर्टी का एक एक पत्थर मेरे नाम होगा। फिर मैं देखता हूं तुम क्या करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये कहकर सफेद मास्क वाला आदमी जमीन पर बैठा और उसने धीरे से अपना मास्क हटाया। जैसे ही वायु ने उस मास्क के चेहरे को देखा, तो वायु हैरान हो गया। वायु ने कहा, रमन? रमन ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे एक बार में ही पहचान लोगे। हाँ, मैं वही रमन हूँ, तुम्हारे सौतेले चाचा का बेटा, जिससे तुम बहुत नफरत करते थे, जिसे तुम्हारी बेटियों ने मारने की कोशिश की थी। पर देखो, मैं तो आज भी यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, तुम सबकी मौत बनकर। पर अफसोस, तुम ये बात उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे जो मुसीबतों से घिरे हुए हैं, क्योंकि तुम तो खुद इस समय मुसीबत में फंस चुके हो। वायु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ? ये सुनकर रमन ने मुस्कुराकर कहा, वायु भाई, क्या भूल गए हैं, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि आप किस तरह की तैयारी के साथ यहाँ आए होंगे, और आपकी सारी तैयारियाँ बेकार हो चुकी हैं। ये कहते हुए रमन ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसके बाद रमन के बॉडीगार्ड पीछे हट गए। वायु ने सामने देखा, जहाँ पर राका, करण और बाकी सबको पकड़ कर रखा गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। वायु ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके फाइटर्स इतनी जल्दी हार जाएंगे। रमन ने कहा, भाई आप क्या सोच रहे हो, यही कि आपके इतने अच्छे फाइटर कैसे हार गए? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, आपने अमेरिका में अपने जासूस भेजे थे ना, आपको वहाँ एक गैंग के बारे में पता तो चला ही होगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उसका नाम द हेल किंग है। वो मेरा ही गैंग है, आपने सुना होगा उस गैंग के लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और लोगों को मारने में कितने माहिर हैं। सोचिए, उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने आपके लोगों का ये हाल किया है, तो अगर मैं सबको बुला लूँगा फिर आप सबका क्या होगा? वैसे अब मैं ये सब करके बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आपको टॉर्चर कर लूँ, जिस तरह मैंने आपकी बेटियों को किया था जब वो 7 साल की थी। वायु ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो तुमने मेरी बेटियों का नाम अपने गंदे मुंह से लिया। रमन ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रही हैं? मैं हर पल उन पर नजर रखता हूँ और मुझे पता होता है कि वो कब क्या कर रही होती हैं। मुझे तो ये भी पता है कि उनके आशिक कौन हैं। सोचो, अगर मैंने उनकी आंखों के सामने उनके आशिकों को मार दिया तो आपकी बेटियाँ वैसे ही टूट जाएगी। वायु ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रमन ने कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रमन ने अपने आदमियों से कहा, इन्हें ले चलो यहाँ से। ये कहकर रमन ने अपना मास्क ठीक किया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वायु के सभी गार्ड्स के साथ करण और राका को भी पकड़ लिया गया था, और उन्हें भी वायु के साथ ही वहाँ से ले जाया जा रहा था। किसी को नहीं पता चला कि वहाँ क्या हुआ था और वो सब कहाँ गायब हो गए। अगले दिन हर्ष का घर। हर्ष की जब नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले प्रतिज्ञा का चेहरा आया, जो कि बिस्तर के कोने में सिमट कर सो रही थी। प्रतिज्ञा के चेहरे की मासूमियत देखकर हर्ष का दिल पिघल गया और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे देखने लगा। प्रतिज्ञा सोते समय एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। हर्ष ने धीरे से झुककर प्रतिज्ञा के गाल पर एक किस किया और कहा, माय सनशाइन। ये कहकर हर्ष हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा बहुत कम होता था जब हर्ष मुस्कुराता था, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो हर्ष को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते थे। थोड़ी देर बाद जब प्रतिज्ञा की नींद खुली तो उसने धीरे से अपनी आंखें मलते हुए आसपास देखा और अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर वो कंफ्यूज हो गई, और तभी प्रतिज्ञा को याद आया कि वो कहाँ थी। प्रतिज्ञा ने जल्दी से बिस्तर की एक तरफ देखा जहाँ कोई नहीं था। ये देखकर प्रतिज्ञा मायूस हो गई और उस बिस्तर पर हाथ फेरने लगी। बिस्तर काफी ठंडा था, जिसे लग रहा था कि वहाँ सो रहा इंसान कब का जाग चुका है। प्रतिज्ञा ने सोचा कि शायद हर्ष को उसके वहाँ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। ये सोचते हुए प्रतिज्ञा बिस्तर पर बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी काफी उदास था। तभी प्रतिज्ञा के कान में किसी की आवाज़ आई। किसी ने कहा, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? क्या तुम सुबह उठने के बाद इतनी उदास ही रहती हो? जैसे ही प्रतिज्ञा ने वो आवाज़ सुनी, वो आवाज़ की दिशा में देखने लगी। प्रतिज्ञा ने देखा सोफे पर हर्ष बैठा हुआ था। हर्ष ने एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट और वाइट जीन्स पहनी थी। इस समय हर्ष बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी गहरी आँखें और ज़्यादा चमकदार दिख रही थी, और वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। जब हर्ष ने प्रतिज्ञा को कोई जवाब नहीं सुना तो उसने दोबारा सिर उठाकर सामने देखा, और ये देखकर कि प्रतिज्ञा एक तक उसे ही देखे जा रही है, तो हर्ष के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्ष ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रतिज्ञा ने कहा, मैं कुछ नहीं देख रही थी। ये कहते हुए प्रतिज्ञा अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। हर्ष सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बिस्तर के पास पहुंच गया। हर्ष ने प्रतिज्ञा को सीधा खड़ा किया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। प्रतिज्ञा के लिए ये सब बहुत नया था और उसे इस तरह के प्यार की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे हर्ष से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ पल बाद हर्ष प्रतिज्ञा से दूर हुआ और उसने प्रतिज्ञा के बालों को ठीक करते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, तुम्हें भी आज सर्जरी के लिए जाना है। प्रतिज्ञा ने कहा, आप नहीं आएंगे? हर्ष ने प्रतिज्ञा के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा,
मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को खोया है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसीलिए मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जरूर मौजूद रहूंगा। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा और कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। प्रतिज्ञा ने हर्ष के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था। हालांकि उसे पहले यह सब करने में डर नहीं लग रहा था और उसे खुशी थी कि वो किसी की जान बचा पाएगी, पर अब प्रतिज्ञा को डर लग रहा था। उसे डर हर्ष को खो देने का और उससे दूर चले जाने का था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और अब उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद हर्ष और प्रतिज्ञा डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। प्रतिज्ञा अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी जिसमें अलग अलग तरह का खाना रखा हुआ था। प्रतिज्ञा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं कोई हाथी हूँ जो इतना सारा खाना खाऊंगी? आपने मेरे लिए इतनी सारी डिशेस क्यों बनवाई है? ऊपर से इन सब में सब्जियां भी है और मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। हर्ष ने कहा, खा लो, आज तुम्हें ताकत की जरूरत होगी। प्रतिज्ञा ने कहा, मैं ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ, जंग लड़ने नहीं, और वैसे भी मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कब क्या खाना चाहिए, आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। हर्ष ने घूर कर प्रतिज्ञा को देखा और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। प्रतिज्ञा ने भी हर्ष को घूरते हुए कहा, बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ही प्रतिज्ञा ने यह कहा, हर्ष ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अब प्रतिज्ञा हर्ष की गोद में बैठी थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि प्रतिज्ञा को कुछ समझ ही नहीं आया और वो कंफ्यूज होकर हर्ष को देखने लगी। हर्ष ने अपनी खतरनाक आंखों से प्रतिज्ञा को देखते हुए कहा, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रतिज्ञा को अभी भी हर्ष की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, मुझे आपकी पनिशमेंट से डर नहीं लगता। ये कहकर प्रतिज्ञा ने अपना सर ऊपर उठा लिया और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी की नज़र उसके होठों पर ही थी और कुछ ही पल बाद प्रतिज्ञा के होठ कैद भी हो गए थे। प्रतिज्ञा ने हैरान होकर हर्ष के चेहरे की तरफ देखा जो उसके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब था। हर्ष की घनी पलकें प्रतिज्ञा के चेहरे से टकरा रही थी और प्रतिज्ञा आँखें बड़ी करके हर्ष को देख रही थी जो अपनी आँखें बंद करके प्रतिज्ञा को किस कर रहा था। लेकिन प्रतिज्ञा को अपने होठों में दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि हर्ष प्रतिज्ञा के होठों को बाइट कर रहा था और उसे वाइल्डली किस कर रहा था। प्रतिज्ञा हर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। कुछ ही पलों बाद उन दोनों के मुंह में खून का स्वाद आ गया। हर्ष ने प्रतिज्ञा के होठों से अलग होकर गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर अगली बार तुमने ऐसे बिहेव किया तो तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हुए हर्ष ने प्रतिज्ञा के लाल होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और उसकी तरफ देखने लगा। प्रतिज्ञा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था।